जी फुल जी बोले। सर, एक्चुअली वालदा मेरी जो थी वो एक्चुअली अक्सर क्या है, वो कोशिश करती थी कि अशर का वो जो है ना वजू करके नमाज पढ़े, तो वो वजू बचा के रखे मगरिब का नमाज पढ़ने के लिए। तो ये क्या बेहतर है या दोनों नमाजों के लिए सेपरेट वजू करना बेहतर है? वो अक्सर ये कोशिश करती देखिए थी मतलब। देखिए, दोनों जायज है, लेकिन अगर आप दोबारा वजू बरकरार रहने के बावजूद भी वजू करते हैं तो वजू करने का भी अजर होता है, वो अजर आपको मिलेगा, वो अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात में, यानी जो ज्यादा साबित है वो यही कि आप हर नमाज के लिए वजू करते थे, बगैर दोबारा वजू किए हुए नमाज पढ़ना साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन आम तौर से आपकी जो आदत थी कि वजू बरकरार है, तब भी आगे आप वजू करते थे, तो अगर आप दोबारा वजू कर रहे हैं तो ये अफजल है, उसके लिए आपको अलग से जायज इंशाल्लाह अजर मिलेगा, लेकिन आपका पुराने वजू से नमाज पढ़ना जायज है जब तक वो वजू बाकी है। जी जी मोहम्मद आयन, वो जजाक भी अल्लाह मेरे खैर काम वसन, जजा अल्लाह राजी हो शेख आप लोगों से। आमीन आमीन, बारकल्लाह आमीन। फीक।